हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है बेस्ट फैंटेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज एक अपन नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में करते हैं तो अपने लिए सीरीज़ काफ़ी अच्छी जा सकती है। तो गाइस, ये बिग बैश लीग, वुमेंस बिग बैश लीग का फर्स्ट मैच है, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स का। तो गाइस, इस के बारे में मैं आपको पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बता दूं तो मेलबर्न रेनेगेड्स लास्ट ईयर टॉप की थी पॉइंट्स टेबल में, 14 मैच में से 8 जीती थी और उनके साथ ब्रिस्बेन हीट भी लीड करी थी। अब गाइज यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो में गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इतनी आसानी से मैं आपको वो स्टेट्स समझाने वाला हूँ जो आपके लिए ग्रैंड लीग का सीन बदल देंगे पूरा, प्लस स्मॉल लीग में भी आपकी 100% हेल्प होने वाली है। तो गाइज यहाँ से आप देख लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको वेन्यू बताऊँगा, पिच के बारे में बताऊँगा, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बताऊँगा, हेड टू हेड स्पेशल बताऊँगा और जो मुझे लग रहा है वो भी साथ में ही बताऊँगा आपको। अब गाइज वेन्यू बेलेरिवी ओवल होबर्ट में रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। टाइम गाइज इसकी 2:10 पे होगी, तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो मिस मत करना, पूरी ही देखना इसको, तो आपके लिए 100% काम में आने वाली है। प्लस अब जो ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग है वो भी अच्छी खासी है, तो आप लोग मिस मत करना उसको बिल्कुल भी, पूरी सीरीज़ आपके लिए मौका है। और वुमेंस मैच में मैं आपको बताऊँ कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, अगर आप उन पर फोकस कर लो तो आप ग्रैंड लीग में भी अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। अब गाइज एक चीज़ यहाँ से बता दूँ, ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन से कॉम्बो कैसे बनाने हैं। आपको एक बैट्समैन के साथ एक राइट आर्म फास्ट बॉलर करना है या एक बैट्समैन के साथ एक लेग स्पिनर करना है, इस पिच पे आज के दिन जो मैच है उस पिच पे आपको ये वाले कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बिकॉज इससे जो लास्ट 5 मैच यहाँ पर हुए थे उनमें यही दोनों राइट आर्म फास्ट और लेग स्पिनर दोनों का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था, और अदर स्पिनर्स का भी रहा था, लेफ्ट आर्म फास्ट का भी रहा था, लेकिन मेन जो रहा था वो इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, या आप एक बॉलर ही बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो दोनों टीम के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बैट्समैन को भी साथ में वाइस कैप्टन कर लो या कैप्टन कर लो, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को या एक ऑलराउंडर को जो कि आपका साथ दे, तो आपकी वो टीम हिट हो जाए। अब गाइस हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, सिडनी सिक्सर्स 5 मैच जीती है, मेलबर्न रेनेगेड्स 6 मैच जीते आउट ऑफ 12 मैचेस, और एक मैच जो है इनका वो ड्रॉ सॉरी कैंसिल ही हो गया था, कोई रिजल्ट नहीं आया था उसका, तो कुछ खास फ़र्क है नहीं हेड टू हेड में। वेन्यू पे गाइस बता देता हूँ, इस वेन्यू पे जहाँ आज मैच होने वाला है वहाँ पर गाइस सिडनी 3 में से 3 मैच जीती है और मेलबर्न जीती है 6 में से 4 गेम, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब गाइस जो अभी प्रिडिक्टेड लाइनअप आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, विद प्लेयर्स के फॉर्म, यानी जो मैंने बोला अभी कैसे बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, तो यहाँ से आप प्लेयर्स का फॉर्म देख लीजिए, प्लस बॉलर कौन कौन है, मेन बॉलर्स ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो गाइस सिडनी स्क्वाड एनालिसिस में मैं गाइस पहले ही कर चुका हूँ, आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब जो प्रेडिक्टेड लाइनअप आ रहा है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अगर कोई बेंच का प्लेयर खेलता है तो आप लोग वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्या करना, मैं ही आप लोगों को बेंच के प्लेयर्स बता दूंगा। तो गाइज यहाँ से आप लोग देख लीजिए, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से एलिसा एली दिखेंगी, विकेट कीपिंग करती हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। शेफाली वर्मा, एलिसा पेरी कैप्टनसी करें इस टीम की, राइट हैंडेड बैट्समैन प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम। एशले गार्डनर राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, निकोले बोल्टन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, एंजेला रिक्स लेग स्पिनर, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्लेरा मूरे, मैटलिन ब्राउन राइट आर्म फास्ट मीडियम, राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, लॉरेन चीटेल लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, स्टेला कैम्बेल राइट आर्म मीडियम फास्ट। अब गाइज इसमें से मेन बॉलर्स सिडनी की तरफ से कौन कौन है वो आप देख लीजिए, स्टेला कैम्बेल, राधा यादव, एशली गार्डनर, एलिसा पेरी। अब गाइज बचे जो ये मिलके 4-4 ओवर डालेंगे, अब बचे जो 2 सॉरी 4 ओवर वो मेरे हिसाब से मैडलिन ब्राउन डालने वाली है। अब यहाँ से गाइज देख लीजिए, मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से एलिसा विलानी ओपनिंग करेंगी मैगलैनिंग के साथ, मैगलैनिंग कैप्टन इस टीम की, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं एक। माया बाउचर, एनाबेल सुदरलैंड दिखेंगी राइट आर्म मीडियम, एरिन ऑप्शन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, किम गार्थ राइट आर्म मीडियम, निकोले फाल्टन विकेट कीपिंग करें, टेस्ट फ्लिंट ऑफ राइट आर्म मीडियम, लिंसे स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, लूसी क्रिप्स राइट आर्म मीडियम, सोफी डे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। अब गाइस एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों के, जो ओवरसीज प्लेयर हैं बाकी ये सब मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं हर वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, जो आपके लिए वैल्यूएबल है सिर्फ वो ही बताऊंगा आप लोगों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो मेन बॉलर गाइस मेलबर्न की है सोफी डे, लिंसे स्मिथ, टेस फ्लिंटॉफ, किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड, ये पांचों मिलके 4 ओवर डालेंगी।
अब गाइस इस वेन्यू पे जब ये लोग खेलते हैं तो किस तरीके से खेलते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिडनी सिक्सर्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए इस वेन्यू पे। एली हीली देखेंगे, 17 की एवरेज है, 10 मैच में 121 रन है। पहले बैटिंग करती है तो गाइस देख लीजिए, 30 किया है, 11 किया है, 2 किया है। दूसरी पारी में करती है तो 32 किया है, 20 किया है, नॉट आउट, 8 8 7 3। अब गाइस शेफाली वर्मा का देख लीजिए, इस वेन्यू पे कभी खेली नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिच पे 23 की एवरेज है, 17 मैच में 371 रन है। अब गाइस एक शेफाली वर्मा आपके लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग प्लेयर हो सकती है, और या तो हो सकता है एकदम ही डिसअपॉइंटिंग प्लेयर भी हो, बिकॉज इनका फॉर्म अभी रिसेंटली अच्छा नहीं जा रहा है, अपने इंडिया सीरीज़ में देखा। अदरवाइज नंबर 1 बैटर है ये, लेकिन अब इनकी पोजीशन जो है वो सेकेंड नंबर पर आ चुकी है। हो सकता है बिग बैश लीग इनके लिए एक अच्छी सीरीज साबित हो और यहाँ पर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करें, बिकॉज प्लेयर्स के लिए होता है कोई सीरीज़ काफ़ी ही शानदार होती है, जैसे 100 रही थी जेमी रॉड्रिग्ज़ के लिए, वहाँ से उनके फॉर्म की वापसी हुई थी। तो हो सकता है शेफाली वर्मा की भी फॉर्म की यहाँ से वापसी हो जाए, तो आपको इन पर नज़र रखनी है। एलिसा पेरी 66 की एवरेज है, 10 मैच में 191 रन है, प्लस 10 विकेट है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इस वेन्यू पे। फर्स्ट पारी में बैटिंग करते हुए 72 किया है, 65 किया है, 29 नॉट आउट, तीनों में ही अच्छी पारी खेली है। दूसरी पारी में 15 किया है, 10 किया है। एशली गार्डनर पहले बैटिंग करती है, 0 प्लस 0 विकेट। दूसरी पारी में करती है 79 प्लस 0 विकेट, 79 नॉट आउट। बॉलर हैं, काफ़ी नीचे आती हैं, तो विकेट से तो यहाँ पर दोनों ही मैच में कुछ नहीं किया, लेकिन विद द बैट दूसरी पारी में 79 नॉट आउट किया है। निकोले बोल्टन 75 रन है, 4 मैच में प्लस 4 विकेट हैं, पहली पारी में 17 किया है, दूसरी पारी में 45 और 13 किया है। क्लेरे मूरे इस वेन्यू पर कभी खेली नहीं है। एंजेला रिक्स ने 4 मैच में 4 रन किए, बिकॉज बॉलर हैं तो काफ़ी नीचे आती हैं। राधा यादव इस वेन्यू पर खेली नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर देख लीजिए, 8 मैच में 11 विकेट हैं, और राधा यादव भी अच्छा खासा कर सकती हैं आज के मैच में। मैटलिन ब्राउन 2 मैच में 3 विकेट हैं और 1 मैच विकेटलेस नहीं थी, यानी 1 मैच में ही इन्होंने 2 विकेट 3 विकेट निकाले थे। लॉरेन चीटल 4 मैच में 2 विकेट हैं, 2 मैच विकेटलेस रही थी। स्टेला कैम्बेल इस वेन्यू पर कभी खेली नहीं है। अब गाइस मेलबर्न रेनेगेड्स की बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर, तो एलिसा विलानी एक अच्छे खासी प्लेयर हैं, 34 की एवरेज है, 8 मैच में 171 रन्स हैं, 22 पहली पारी में 22 किया है, 84 किया है, 4 किया है, दूसरी पारी में 52 नॉट आउट, 41 26 नॉट आउट, 12 6। मैग लेनिंग की बात कर लेते हैं गाइस, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं तो इनको हमेशा ही कहता हूँ आप लोगों से, 52 की एवरेज है, 9 मैच में 310 रन है, पहली पारी में इस वेन्यू पर 81 78 नॉट आउट, 32 11, दूसरी पारी में 41 नॉट आउट, 38 7, 19 8 2। अब गाइस मैग लेनिंग का हाल भी सेम एज शेफाली वर्मा, लेकिन इन T20 फॉर्मेट्स, अदर फॉर्मेट्स में अच्छी खासी है, लेकिन अब बिग बैश लीग से 20 ओवर का ही होता है तो थोड़ा सा कंसर्न है, बट मेरे को लग रहा है कि क्या होता है, फॉर्म टेम्प्ररी होता है, लेकिन क्लास जो होती है एक प्लेयर की वो परमानेंट होती है, तो मैग लेनिंग अच्छा खासा कर सकती हैं। माया बाउचर इस वेन्यू पे कभी खेली नहीं है। एनाबेल सुदरलैंड भी इस वेन्यू पे कभी नहीं खेली। एरिन ऑब्सन का इस पहली पारी में 24 रन है, 5 मैच में, बिकॉज बॉलर हैं काफ़ी नीचे आती हैं, अब काफ़ी कम मौके मिलते हैं, और दूसरी पारी में 2 विकेट हैं। किम गर्थ सेम इनका भी यही हाल है, बॉलर हैं, पहली पारी में 0 किया है, दूसरी पारी में 1 विकेट लिया है। निकोले फॉल्टन इस वेन्यू पर कभी खेली नहीं है। टेस फ्लिनटॉप भी नहीं खेली है। लिंसन स्मिथ भी नहीं खेली है। एना लेनी 5 मैच में 11 रन है, सेम रीज़न, बॉलर हैं। लूसी क्रिप्स भी इस वेन्यू पर नहीं खेली है। अब गाइस हेड टू हेड स्पेशल्स की आपको बताऊं, प्लस मेरे को जो लग रहा है, जो मैंने इन सारे प्लेयर्स में से ही कुछ सेलेक्ट किए हैं, तो गाइस मेरे को लग रहा है सोफी डे अच्छा कर सकती हैं। किम गर्थ, टेस फ्लिंटॉफ के पास मौके हैं, बिकॉज विद द बैट विद द वॉल भी कर सकती हैं। एलिसा पैरी अच्छा करेंगी, राधा यादव, मैडलिन ब्राउन, एलिसा विलानी गाइस अगर सेकेंड बैटिंग करती हैं तो आपके लिए मस्ट पिक। मैग लेनिंग एज ऑब्वियस दोनों ही पारी में, और एरिन ऑप्शन फर्स्ट बॉलिंग करती है। तो अब गाइज ये मेरे को गट फीलिंग के हिसाब से अपने लग रहे हैं स्पेशल प्लेयर्स, प्लस हेड टू हेड के हिसाब से भी ये स्पेशल हैं। तो और बाकी गाइज आप लोग एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट मैच है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी कल से जो मैच होंगे उनकी वीडियो जो आपको मिलेगी तो उसमें आपको मेरे हिसाब से प्लेयर मिलेंगे, क्योंकि अभी क्या है मैं आप लोगों को एक वो नहीं बता सकता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उससे बताऊंगा अपने गट फीलिंग वाले प्लेयर। पहले मेरे को देख लेने दो कौन किस तरीके से खेलता है यहाँ पर।
ठीक है गाइस, तो होप आप लोगों को ये सारे वेन्यू स्टेट्स और एक्ट्रेट स्पेशल समझ में आ गए हो। बाकी पिच रिपोर्ट भी यही है, अभी तक जो है वो है फ्रेश पिच है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलने वाली है, बैट्समैन को भी हेल्प मिलेगी। तो बाकी जो एक्यूरेट एकदम न्यूज़ है जो आफ्टर टॉस आती है वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर दे दूंगा, या आप लोग भी क्रिक बस पर जाके देख सकते हो। अब गाइज यहाँ से एक चीज़ बता दूँ आप लोग, गाइज ये है टेलीग्राम चैनल, आप लोग गाइज इस पर विजिट करोगे चैनल को तो सबसे पहले ज्वाइन कर लेना नीचे से, इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जानी है। और इस वीडियो को गाइज प्लीज़ लाइक कर देना यार, मेरे को पता चल जाए आप लोगों ने देखी है, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो। मैं गाइज पूरा अभी 2 महीना BBL चलना है, मैं पूरा कवर करने वाला हूँ वुमेंस का बिग बैश लीग। तो गाइज इस चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे लिंक से, तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, पिंड मैसेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइज सारे ऐप्स की लिंक आ जाएगी जहाँ पर हम लोग खेलते हैं, सब पर इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल है 24x7। बाकी आपको गाइज पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, आप हमारी फैमिली का पार्ट बनो, हम लोग यहीं पर खेलते हैं। तो गाइज इसको आप डाउनलोड कर लो बिल्कुल सारे ऐप्स को जो भी, तो मैं अभी गिव अवेज भी कराऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और गाइज साइन अप करो तो कोड यूज़ कर लेना हमारा BFTips, इनमें से किसी भी ऐप पर आप साइन अप करो तो BFTips हमारा कोड यूज़ कर लेना, तो उससे गाइज आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। प्लस जो सपोर्ट है, आपको कभी कोई दिक्कत होती है तो आप एक BFT फैमिली पर मेरे को मैसेज कर सकते हो कि भाई ये दिक्कत है, मैं आपकी दिक्कत जो आप सॉल्व कराओगे उससे 2 घंटा 1 घंटा पहले ही आपकी करा दूंगा। बाकी गाइज एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से आप एक ऐप देख लो बैट बॉल 11 करके, ये गाइज आप लोग डाउनलोड कर लेना, साइन अप कोड यूज़ कर लेना। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ बिकॉज अभी वुमेंस मैच में हो सकता है, क्योंकि क्या है बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं काफ़ी, तो क्रेडिट इशू आपको ड्रीम 11 पर बहुत ज़्यादा देखने मिल सकता है। तो आप ये बैट बॉल 11 कर लेना, स्पोर्ट्स ही कर लेना, यहाँ पर भी कोई क्रेडिट इशू नहीं होने वाला है। 11 चैलेंजेस कर लेना, सबसे लोएस्ट एंट्री फी है। तो गाइज ये सब मस्ट हैव ऐप है कि आपको अपने फ़ोन में रखने ही है, बिकॉज मैं कभी भी कहीं पर भी गिव अवे करा सकता हूँ। तो ये 6 ऐप हैं जो वो आप अपने फ़ोन में रखिए रखिए। बाकी गाइज जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा, अपन मिलके अच्छा करेंगे। स्मॉल लीग में मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की आप लोगों को, बाकी ग्रैंड लीग में आप लोग अपने हिसाब से टीम बना लीजिए, हेल्प मैं करने के लिए आपके यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार अगर अभी तक ना किया हो तो, बाकी लाइक भी कर देना यार। थैंक यू।